कहाँ रह गई है? काम करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ। हाय। कहाँ रह गई थी तुम? मैंने तो सोचा तुम आओगी भी नहीं। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। पूरा 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 कोई तुमसे मिलने आया है। कौन? एक मिनट। मेरी दी प्रज्ञा दी, ये मेरे लिए सब कुछ है। मैं पता है, दी के बिना ना मैं कोई भी डिसीजन नहीं लेती। पूरा वो क्या ना, दी ने मेरी चोरी पकड़ ली, इसलिए यहाँ आई है तुम्हारी हाजिरी लेने के लिए। अब सॉरी, मेरी बारी तो हो गई, अब तुम्हारी बारी। सिर्फ 15 मिनट तुमसे अकेले बात करना चाहती है। ओके, ऑल द बेस्ट। अरे पर मुझे तुमसे बात करनी है जरूरी। हम दोनों बाद में बात कर लेंगे। अब दी, लेक्चर मत लेना, स्टूडेंट नहीं है मेरा, तेरे लिए कर लू। अब जा, बाहर जा। Hi. Please come in. I just hope ये पूरब ना दी के सामने नर्वस होके कुछ उल्टा फुल्टा ना बोल दे। भगवान जी, दी को भी पूरब उतना ही पसंद आना चाहिए जितना कि मुझे। I mean पसंद मतलब वैसे पसंद नहीं, पर पसंद आना चाहिए। आप समझ गए ना? सुरेश मुझे क्यों फोन कर रहा है? जरूर दी ने फोन नहीं उठाया ना, इसलिए मुझे फोन कर। दो पल के लिए तो चैन आ दो। और वैसे भी दी ना तुम्हारा फोन नहीं उठा पाएगी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रही है। सॉरी। हेलो बुलबुल, वो क्या प्रज्ञा तुम्हारे साथ है? वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। अरे प्रज्ञा दी मेरे साथ है, वो क्या है ना, दी थोड़ा सा बिजी है, अब तुमसे बाद में बात करेगी। सॉरी, किस चीज में बिजी है? कितने सवाल पूछते हो तुम? हाँ, थोड़े टाइम में दी के बिना चैन नहीं मिलता है क्या तुम्हें? वैसे भी दी को बहुत सारे काम है, औरों के बारे में भी सोचना पड़ता है, मेरे बारे में, माँ के बारे में। और हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर ना ही करो ना। तो बेटर है, तुम्हारी खुफिया गिरी के जवाब नहीं देने वाली मैं, समझे? नहीं नहीं, वो क्या था कि बुलबुल रात हो रही है ना, तो इसीलिए मैंने फोन किया था। सुरेश, ये मुंबई है, यहाँ पे रात नहीं होती। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे गुड नाइट वाले टाइम से पहले मैं उसे खिड़की पर लेकर आऊंगी। ठीक है, बाय। आंधी हो क्या तुम? अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घूमती क्यों हो तुम? लुक मिस, तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखा रही हो? मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, इतना नुकसान करा दिया, और ऊपर से मुझे आके दिखा रही हो। गाड़ी का नुकसान हुआ है? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं हूँ। ओह या, भिखारी से थोड़ी सी बेटर। रखो पैसे, इसमें तुम्हारी नई बाइक आ जाएगी। बड़ी बदतमीज लड़की है, अपने आप को समझती क्या है? हीरोइन। और पैसे मुझे नहीं चाहिए इसके पैसे। वैसे मैंने दुनिया देखी है बचपन से आज तक, काफी उतार चढ़ाव भी देखे। आज भले ही अपने पैरों पे खड़ा हूं, बट गरीबी भी देखी है मैंने। मेरी लाइफ एक खुली किताब है, आप जो चाहे पूछ सकते, मैं सब सच सच बता दूं। पहली बार किसी से प्यार हुआ है और इस प्यार ने इतनी हिम्मत दी है। मैं बुलबुल से बहुत प्यार करता हूं, और मेरी लाइफ में सिर्फ यही एक सच है। बस और कोई सवाल नहीं करना मुझे, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी कि वो इंसान कैसा है जिससे हमारी बुलबुल इतना प्यार करती। तुम्हारी तरह दुनिया नहीं देखी है ना हमारी बुलबुल ने। घर में सबसे छोटी है, इसलिए सबकी लाडली भी है और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी। इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आँखों में ये सच्चाई देख कर मुझे तसल्ली मिल गई। थैंक यू। तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया मुझसे। जानती हूँ कि तुम्हें वाकई प्यार है। अगर तुम चाहो तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तो मेरा शक बिल्कुल सही था, कोई और है इसकी जिंदगी में, इसीलिए पूरा इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था।
हाउ डेयर ही। इसको मैंने पहले कहीं देखा है, कहां देखा है, ऑस्ट्रेलिया, नो, यहीं पर कहीं। कम ऑन आलिया, थिंक थिंक हार्ड। इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता तो लगाना ही पड़ेगा। आलिया की पसंद पे नजर डालने की हिम्मत जो की है इस बहन जी ने। एक तो स्कूटी भी शुरू नहीं हो रही है और पता नहीं ये मैकेनिक कहां मिलेगा। सुरेश को फोन करती हूँ। हाँ और ये सुरेश का फोन भी ना अनरीचेबल है। बड़ी बदतमीज लड़की है, एक तो मेरी गाड़ी गिरा दी और ऊपर से इतने स्क्रैचेस आ गए। रईस जादी गाड़ी चला रही थी या एरोप्लेन उड़ा के जा रही थी। इडियट। दियोर पूरब तो ऑफिस पे ही है। बुलबुल तू भी ना। दी तूने बात की उससे? तुझे जो पूछना तो पूछ लिया, बताना दी। दी बताना, नहीं आया तुझे? पसंद आने लायक क्या था उसमें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो कहाँ तो यूरोप टूर की बातें करती थी और ये खजूर मिला तुझे? दी खजूर नहीं है वो, बताना प्लीज। क्या बताऊँ मैं तुझे? कहाँ बुलबुल, तू इतनी इतनी चुलबुली है, इतनी टैलेंटेड है, इतनी रैविशिंग है और वो तुझसे भी ज्यादा। रियली दी, मेरी बुद्धू राजकुमारी ने अपने लिए सबसे अच्छा राजकुमार चुना है। मुझे बहुत स्वीट लगा, दिल का नेक लगा और सबसे बड़ी बात जो उससे बात करके मैंने समझा, उसकी आंखों में मैंने देखा वो था तेरे लिए प्यार। थैंक यू दी, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। दो सेकंड के लिए लगा कि मैं मर ही जाऊंगी। अच्छा अपनी बारी आई तो इतनी ड्रामेबाजी और मेरे ऊपर आती है तो कोई कंसेशन नहीं। वैसे एक बात बता, पूरब सुरेश से बेटर है या? सुरेश को छोड़कर बाकी सबसे बेटर। सॉरी। थैंक यू दी। वैसे दो मिनट मिलेंगे? बुलबुल के दो मिनट नहीं, घड़ी के दो मिनट। जल्दी जाकर आ, माँ परेशान। ये फोन पकड़। अरे मैं अभी आई। मुझसे भी ज्यादा। पूरब इस दिन का कब से मैं इंतजार कर रही थी। अब हम बिंदास होके प्यार कर सकते हैं, किसी से बिना डरे। आई मीन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सारी हदें पार कर दे, बट तुम नहीं जानते दी मेरे लिए क्या मायने रखती है पूरब, और मैं उनका भरोसा ना कभी तोड़ना नहीं चाहूंगी। बुलबुल पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम सुनो मेरी बात। दीदी ने मुझे सिर्फ दो मिनट दिए हैं, तुम्हारी बातें, तुम्हारे गॉसिप्स और जो भी ताजा खबरें वो मैं कल करूंगी, ठीक 9 AM विद पूरब, ओके? तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? आई लव यू। कि मुझसे ज्यादा नहीं। आई लव यू टू। पता नहीं मतलब? अरे पूना से कोई क्लाइंट आए हुए हैं, उन्हीं के साथ होगा। पर तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है, क्या हो गया? कुछ नहीं ताई जी। अरे ताई जी प्लीज लीव मी अलोन। ये तो
ये तो वही लड़की है जिसने भाई के खिलाफ मीडिया में बकवास की थी। अगर उस वक्त याद आ जाता तो मैं पूरा मैटर वहीं का वहीं खत्म कर देती। अनपुरा, what a pathetic choice। तुम्हें यही लड़की मिली थी, इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन। मुझे भाई को बताना ही होगा। Pick up the phone, भाई। Come on, भाई। कहाँ हो आप? इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। आलिया इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। You'll have to pay for this. और ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम्हें कि जिंदगी भर किसी से प्यार करने के लायक नहीं रहोगी तुम। माँ, घड़ी खराब नहीं है, बस बैटरी खत्म हो गई थी, बदल दी, अब चल रही है ना। आप क्यों? वो मैं बस देख रही थी कि आज तारे कितने चमक रहे। नहीं, अच्छा, तारों को देख रही थी या तारों में किसी की शक्ल? दी, तू भी ना, कितनी फिल्मी हो गई है। बुलबुल, तू भी ना, कितनी शर्मीली हो गई है। अच्छा सुन, मैं तुझे बताना चाहती थी कि कोई भूल भूल नहीं है। तुझे अगर मुझसे पहले शादी करनी हो तो मुझे बता देना, तेरी खुशी की खातिर ना मैं खुद माँ से बात करूंगी। सुबह से मैं ही मिली थी तुझे बकरा बनाने के लिए। तो तूने ही ठेका ले रखा है सबको चढ़ाने का, सबको परेशान करने का। अब पता चला कैसा लगता है? ओके मेरी माँ, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं चिढ़ाऊंगी। ओके, लेकिन तू प्लीज माँ को मत बताना। अब तेरी शादी के बाद ना बता देना, ये ना। अरे, दोनों बहनें ऐसे छिप छिप के कौन सी बातें करें जो माँ को नहीं बतानी है। चलो फटाफट माँ को बताओ क्या बात है। कुछ भी तो नहीं माँ, कुछ नहीं माँ, से पूछो। ओले मेला बच्चा, तू कब से इतना बड़ा हो गया? मेरा शेर बच्चा, तेरे चेहरे पे ना फट से आ जाता है। जब तुझे माँ से कुछ चाहिए होता है, जब तू नाराज होती है, या जब तू माँ से कुछ छुपा रही होती है। अब मैं बताती हूँ ना माँ। नहीं माँ, आप ठीक बोल रहे हो, बात तो है। दरअसल बुलबुल है ना, उसके सर पे जो यूरो टूर का फितूर चढ़ा था ना, वो उतर गया। बुलबुल, तुझे बुखार तो नहीं है? सच में ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ माँ, चमत्कार ही तो है, अपनी बुद्धू बहुत बड़ी हो गई। ये सब छोड़ो, इधर बैठो, बैठो आप। अरे कितनी मेहनत करते हो, सारा रसोई में काम है। नहीं, सारा दिन एक टांग पे काम करते रहते हो। तू जा तेल लेकर अंदर से। हाँ अभी थक नहीं जाते हो? इतना पाँव दर्द होता है। नहीं बस, दबाने दो मुझे पाँव, ये जाते आ जा आराम से। ओले मेरा बच्चा, क्यों इतनी मेहनत करते हो, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो आप। कहाँ करती हूँ मैं इतना काम है, तू बता। वैसे भी जब तू माँ बनेगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि माँ को बच्चों के काम में जरा भी थकावट नहीं होती। माँ के लिए तो सबसे अच्छा दिन वही होता है जब उसकी बेटी की शादी होती है। कर लेने दे। मैम आपका, ये आपकी चुन्नी गिर रही थी, मैली हो जाती। थैंक यू। ओहो, यहाँ तो रामलीला चल रही है। लहू इस चोर चक्कों की तरह छुप छुप के कैसे देख रही है? जो सरेआम नहीं दिखता है ना कब्बू जी, उसे छिप कर देखा जाता है। आप नहीं समझोगे, ये प्यार व्यार की बात है। ये सुरेश है ना, किसी सुंदर सी लड़की पर लट्टू हो गया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। दिमाग तो ठिकाने है ना तेरा, ये निकल गया कहीं? मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है। वैसे भी दिल तो है नहीं आपके पास, आप क्या समझोगे, उम्र हो गई है।
उम्र हो गई है, ये ऊपर वाले ने भी ना छान के तुझे ना मेरी गोदी में डाला है, और कोई नहीं मिली थी। और देख अब कोई और पंगा ना ले लियो, समझ गई ना? और ये अपना मुंह और दिमाग दोनों बंद रखियो, और सुरेश से तो बिल्कुल दूर ही रहियो तू। अभी बोल रहे हो, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, जब सच सामने आएगा ना तो मुझे याद करना। इन दोनों के प्यार के सच को सामने लाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, जल्दी। मुझे सब कुछ खुद ही ठीक करना पड़ेगा। अगर भाई को पता चल गया तो मैं पूरब को हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, मुझे पूरब से खुद ही बात करनी पड़ेगी। अल्लाह, मेरी घड़ी टाइम लेट बता रही है या फिर तुम लेट हो मिस्टर पूरब? कम हियर। आई नो कि कल ऑफिस में तुमने शेरवानी ढंग से नहीं देखी, और यू नो व्हाट, मुझे इतना टाइम लगा ये शेरवानी तुम्हारे लिए सिलेक्ट करने के लिए, एंड आई एम सो श्योर कि ये तुम पर इतनी अच्छी लगने वाली है ना पूरब। वाह, यू लुकिंग सो हॉट एंड हैपनिंग। मुझे पता था कि ये कलर तुम पर बहुत ही जचेगा पूरब, तभी इतनी मेहनत करके मैंने ये सिलेक्ट किया है, और कस्टमाइज खुद खड़े होकर मैंने वहां पर शॉप पर डाला। आलिया, ये सब गलत है, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है पूरब? यही ना कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, कोई है जिससे तुम शादी करना चाहते हो। यही ना पूरब कि मैंने तुम्हारी लाइफ में वो स्पॉट खो दिया, एम आई राइट? तुम्हें सब पता है? ऑफ कोर्स जानती हूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता? तुम्हारा ये अनकंफर्टेबल होना, सिचुएशन से भागना, आई एम नॉट अ फूल पूरब, सब समझ में आता है मुझे। आई अंडरस्टैंड कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, सिर्फ चैटिंग या फिर इंटरनेशनल टाइम देखकर बातें करके नहीं चलता है, बीच में एक खालीपन आ जाता है डिस्टेंस की वजह से। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट यू डोंट हैव टू वरी नाउ पूरब, मैं आ गई हूं ना, इसलिए अब मैं तुम्हारा सारा खालीपन दूर कर दूंगी। इसलिए लड़की जो भी है यू नो, उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो। I understand, पूरा flings हो जाते हैं। I completely forgive you. Fling? आलिया, ये कोई fling नहीं है। प्यार करता हूँ मैं उससे, पागलों की तरह प्यार करता हूँ, और उसे भूलना तो दूर, उसे देखे बिना मैं रह भी नहीं सकता। You get that? आती हूँ। हाँ माँ, हाँ, लेकिन कहाँ भेज दिया आपने? यहाँ तो मेकिंग चार्जेस में ही दिवाला निकल जाएगा, इतनी महंगी दुकान है। अरे तो बिल्कुल चिंता मत कर, और देख वो मिसेस सहगल है ना, मेरी बचपन की सहेली। हाँ वो है ना, वो उसको जानती है दुकानदार को, उसने कहा कि वो अच्छा सा डिस्काउंट भी दिलाएगी, तो तू आराम से जा और मंगलसूत्र उठा ला, और वहाँ की डिजाइन ना A1 है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। माँ आप खुद बोलते हो कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, यहाँ तो 50,000 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। प्रज्ञा तू बिल्कुल चिंता मत कर, देख मैंने पैसे ना पहले से ही दे रखे, तू बस जा और मंगलसूत्र उठा ले। वैसे भी तो सब ठीक हो गया है ना, फिर तू इतनी चिंता क्यों कर रही? और तेरी शादी कौन सा रोज रोज आती है, चल सुन संभाल के लेकर आना। ठीक है दी। क्या कहा बड़ी माँ ने? माँ ने कहा मंगलसूत्र लेकर सीधा घर जाना। हाँ तो ठीक है, तू मंगलसूत्र ले ले, मैं तब तक और कुछ देख लेती हूँ। क्यों, कुछ लेना तो है नहीं। कौन सा देखने के पैसे लग रहे, और वैसे भी इतनी बड़ी दुकान है, देखने दे पागल। हाँ दादी, मैं ज्वेलर के पास पहुंच गया हूँ, बाद में फोन करता हूँ, कुछ लेना है? अच्छा सुन, आलिया के लिए मैंने खास डिजाइन से ऑर्डर किए हुए हैं, उसमें से एक सेट मीनाकारी वाला भी है, तो देख लेना, अगर वो तैयार हो गया तो वो भी ले आना बेटा। दादी उसका फोन ना उठाने की पनिशमेंट भी तो पूरी करनी होगी, वरना वो मेरी बैंड बजा देगा। वैसे क्या लूँ उसके लिए दादी? ब्रेसलेट ठीक रहेगा ना? परफेक्ट पुत्र, परफेक्ट। लगता है अब शादी के लिए तू तैयार हो गया है, क्योंकि लड़कियों के मामले में ना तेरी समझ चेंज हो चुकी है। बस तू जल्दी से मेरे लिए एक बहू ले आ। ब्रेसलेट मैं बनवा लूंगी। अरे दादी क्या बहू लगा रखी है, पता नहीं इस वक्त आपकी होने वाली बहू दुनिया के किस कोने में होगी, जब मिलेगी तब खरीद लेंगे। ठीक है, रखता हूँ।
सरला अरोड़ा ने ऑर्डर दिया होगा मंगलसूत्र का। ये रहा आपका मंगलसूत्र। दिखता नहीं है तुम्हें? ये मैं भी कह सकती हूँ। ये तो वही लड़की है ना टीवी वाली, कितनी इज्जत उछाली थी इसने इस अभी की, और अब देखो लगता है कोई नया पब्लिसिटी स्टंट है इनका। अच्छा लग रहा है ना तुम्हें अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़कर? मुझे कोई शौक नहीं है आपके नाम से अपना नाम जोड़ने का। तो फिर क्यों परचाई की तरह मेरा पीछा करती रहती हो, क्यों बार बार मेरे सामने आती हो तुम? किस्मत, शायद मेरी किस्मत ही खराब है कि बार बार आपसे टकरा जाती हूँ। ये पब्लिक प्लेस है, मैं यहाँ अपने काम से आई थी। अगली बार जहाँ जा रहे होंगे अनाउंसमेंट करवा दीजिएगा। उस इलाके में भी नहीं जाऊंगी, बिकॉज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट नाउ आई एम इंटरेस्टेड तुम्हारी किस्मत बदलने में।